अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू गाइस आर फाइन। सी माय लिटिल वन, ही इज सो टू 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 एक्टिव, लेकिन इसको आज थोड़ा थोड़ा सा जुकाम और अल्लाह हल्की फुल्की सी कफ हो गई। इन्हें सोना मचाया कर मैं बच्चा, इन्हें सोना मचाया कर नीचे गिजेगा। तो मैं इसके लिए कावा बनाने लगी थी, तो सोचा क्यों ना अपने इस कावा की रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। इतनी बस बच्चों को थोड़ा सा जो है केयर करनी पड़ती है। विंटर स्टार्ट होते ही इन्हें हल्का फुल्का कावा और इस किस्म की चीज़ें देना शुरू कर दो, तो बच्चे जो हैं इनको ज़ुकाम और खांसी वगैरह से ज़रा बचे रहते हैं जी। तो हमने कावे के लिए पानी रख लिया है, इसके बीच में अब हम थोड़ी सी सौंफ और 3-4 इलायची डालेंगे और उसके साथ एक दालचीनी का टुकड़ा, सिनेमन का टुकड़ा एक डाल देंगे और फिर आंच तेज़ कर देंगे ताकि इसको अच्छे से जोश आ जाए। इसे ठंडा कर लेंगे और इसके बीच में थोड़ा सा शहद डालेंगे। शहद डाल के थोड़े से हम कासिम को पिला लेंगे। फिर कावा बन के रेडी हो गया है और अब मैंने फिटर में डाल लिया है इसे। अब मैं ये कासिम को पिलाऊंगी, इंशाल्लाह थोड़ी देर में उसे काफ़ी अफाका हो जाएगा। चाय एक नोर मई रंग बिरंगे कप, एक्चुअली सबके अपने अपने पसंदीदा कप हैं, इसलिए यहाँ मेरी ट्रे में इस पर रंग बिरंगे कप हैं। कासिम इज चेकिंग हिज कावा नाउ। जान कावा पी रहे हो, क्या कर रहे हो, मस्ती नहीं करते? जी तो यहाँ पे मेरी वीडियो कुछ ख़राब हो गई थी वॉइस, तो इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। कासिम कावा पी चुका है और माशाल्लाह उसको थोड़ा सा फ़र्क भी पड़ चुका है। होप यू गाइस लाइक माय वीडियो। इफ़ यू लाइक द रेसिपी ऑफ दिस कावा और अगर आप यूज़ करें और यूज़ करके आपको अफाका पड़े, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। इन सर्दियों में अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ज़्यादा ख्याल रखें।